बोल्ड ब्यूटीफुल और बिंदास है ये स्टार। बबलीनेस और शरारत इन्हीं की अंदाज है। 90 की दशक को अगर किसी ने यादगार बनाया है तो वो यही हसीना है। वेल, हम बात कर रहे हैं काजोल के बारे में। इनकी फिल्मों में कुछ अलग ही बात थी। हर बार अपने किरदार से ये लोगों के दिल में बस जाती थी। आफ्टर ऑल इनका हर कैरेक्टर लोगों को पसंद आ जाता था। तो आज इस खूबसूरत हसीना के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ अनसुने और अनजाने फैक्ट्स। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ। काजोल एक बॉलीवुड परिवार को बिलोंग करती है। ग्रेट ग्रैंडमदर रतनबाई से लेकर नूतन तक, माता अनुजा से लेकर डैड सोमू मुखर्जी तक, हर कोई बॉलीवुड का हिस्सा है। काजोल की मॉम तनुजा उन्हें कैट्स कहकर बुलाती है और उनके हिसाब से काजोल एक बहुत ही मिस्चीवियस लड़की थी बचपन में। काजोल के पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन इस डिवोर्स से ना काजोल और ना ही उनकी बहन तनिषा पर कोई असर पड़ा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी उनके सामने लड़ाई नहीं की। काजोल ने अपनी पहली फिल्म बेखुदी की शूटिंग तब की जब वो महज 16 साल की उम्र की थी। काजोल ने मैक्सिमम फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस जीतने का रिकॉर्ड सेट किया है अलॉन्ग विद नूतन, क्योंकि वो 5 बार ये अवार्ड जीत चुकी है। काजोल वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्हें एक नेगेटिव किरदार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और ये फिल्म का नाम था गुप्त। काजोल को फिल्म गुप्त का रोल उनके करियर का सबसे टफेस्ट रोल लगता है, क्योंकि उसमें उन्हें एक मीन किरदार निभाना था। फिल्म गुंडा राज के टाइम से काजोल और अजय देवगन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अजय का कहना था कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, लेकिन शादी हमेशा से ही इनके दिमाग में थी। काजोल फिल्म करण अर्जुन करने के लिए सिर्फ इसीलिए तैयार हुई थी क्योंकि उन्हें ये देखना था कि एक फिल्म में एक ऑर्नामेंट बन के रहना कैसा लगता है। काजोल ने तब कहा था, आई हैड नथिंग टू डू इन द फिल्म एक्सेप्ट लुक गुड। काजोल ने एक तमिल फिल्म में भी काम किया है जिसका नाम था मिनसारा कनवु, और इस फिल्म में उन्हें प्रभुदेवा के ऑपोजिट डांस करने में काफी मुश्किलें आई थी। काजोल काफी ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व्ड है। शिक्षा नाम के एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई है काजोल। काजोल एक गुडविल इंटरनेशनल एम्बेसडर भी है फॉर दी लुम्बा ट्रस्ट, जो कि विडोज और उनके बच्चों को सपोर्ट करती है। काजोल इज वन ऑफ द 4 बॉलीवुड एक्टर्स जिनका मिनिएचर डॉल रेप्लिका बना है यूनाइटेड किंगडम में। बाकी के 3 एक्टर्स है शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा, और इन्हें बॉलीवुड लेजेंड्स कहते हैं। काजोल को किताबें पढ़ना और कविताएं लिखना भी बहुत पसंद है। काजोल और करण जौहर बहुत अच्छे दोस्त है और करण काजोल को एक लकी चार्म मानते हैं, इसीलिए वो काजोल को अपनी फिल्मों में एटलीस्ट एक कैमियो रोल तो देते ही है। माय नेम इज खान के सक्सेस के बाद काजोल और शाहरुख खान को NASDAQ में ट्रेडिंग डे की ओपनिंग के लिए इनवाइट किया गया था और इससे ये दोनों बन गए थे फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटीज टू गेट दिस इन्विटेशन। रानी मुखर्जी की फिल्म बाबुल की पहली पसंद काजोल थी। काजोल को साल 2008 में कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। काजोल के बारे में एक फनी फैक्ट ये है कि वो जिस भी फिल्म के सेट पर गिरती है वो फिल्म हिट हो जाती है, और ये बात खुद काजोल ने कही थी। साल 2011 में काजोल को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। काजोल और अजय देवगन की शादी हुई साल 1999 में और इनके 2 बच्चे भी हैं, नायसा देवगन और युग देवगन। साल 2001 में काजोल प्रेग्नेंट हुई थी अपनी पहली बेबी के साथ, लेकिन मिसकैरेज हुआ, और फिर साल 2003 में नायसा हुई और 2010 में युग।
फिल्म बाजीगर का रोल पहले श्रीदेवी को ऑफर किया गया था, लेकिन बात न बन पाने के कारण ये रोल काजोल की झोली में आ गिरी। काजोल माँ दुर्गा की भक्त है और हर साल वो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करती है मुंबई में, और हर साल जो भी उनके पंडाल को विजिट करते हैं उनको भोग सर्व करती है। काजोल हमेशा से ही एक डायमंड स्टडेड ओम रिंग पहन कर रखती है और ये उनके हस्बैंड अजय देवगन ने उन्हें गिफ्ट किया था। काजोल अपने मुफ्त व्यवहार के लिए जानी जाती है। वो बात मन में नहीं रखती और उनके हिसाब से वो 100 में से 99 लोगों को पसंद नहीं करती। फिल्म दिलवाले दुल्हने ले जाएंगे की टाइटल को जहां सभी ने पसंद किया, वही काजोल ने इसे टपोरी करार दिया था। ये टाइटल अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने सुझाया था। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रुक जाओ दिल दीवाने गाने में शाहरुख काजोल को गिरा देते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख को पता था कि वो काजोल को गिराएंगे, पर काजोल को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। आदित्य चोपड़ा जेन्युइन एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना चाहते थे और इस सीन के बाद काजोल को अपने कमर में बहुत दर्द भी हुआ। कभी अलविदा ना कहना, दिल तो पागल है एंड चलते चलते जैसी फिल्मों को ठुकराया है काजोल ने। काजोल ने रेखा के साथ एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था, वो भी एक ही स्वेटर पहनकर, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। वेल, आप हमें कमेंट करिए बताएं कि आपको कौन सी फैक्ट लगी सबसे शॉकिंग। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।